तो फ्रेंड्स लेह में आ चुके हैं। उपसी चेक पोस्ट पे ये एक पर्ची मिली है म्युनिसिपल कमेटी लेह की। पूरे ही रास्ते में हमें बाइक रिपेयरिंग और कार रिपेयरिंग की कोई भी शॉप देखने के लिए नहीं मिली। रोड के एक साइड में देखो किस तरह की सपोर्ट बनाई गई है, ऐसी सपोर्ट लद्दाख में देखने के लिए मिली। और देखो कितनी सारी बर्फ है, वहां तो 15-15 फीट बर्फ थी। भयंकर हवा चल रही है। लांगला पास पर पहुंच चुके हैं। मैं दिखाऊं आपको नज़ारे। हवा देखो कितनी ज़बरदस्त चल रही है। ये देखो तांग लांगला एल्टीट्यूड 17,482 फीट। यू आर पासिंग थ्रू 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। अपने आप में एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। तांग लांगला हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही ठंडी हवा। भाई लोग फ़ोटो लेने में लग गए हैं। मैं आपके लिए वीडियो रेडी कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। यार एक लाइक कर दो, अच्छा लगेगा हमें भी। एक मंदिर है सामने, मंदिर में भी लेकर चलूँगा आपको। वहाँ खड़ी हमारी वन एंड ओनली सेंट्रोपेंग, यहाँ से 65 किलोमीटर है। मनाली यहाँ से 364, चंडीगढ़ है यहाँ से 673, लेह 111, उपसी 60 किलोमीटर रम से करीब 28 किलोमीटर है। यू हैव रीच तांग लांगला। बहुत गजब ही अचीवमेंट जो हमने पूरी की वन एंड ओनली हमारी प्यारी सेंट्रो से। ऊपर क्या मैं दिखा देता हूँ, एक मंदिर है, मंदिर में जरूर दर्शन करेंगे। एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए किसी भी पास पे, हेल्थ इशू हो सकते हैं। सांस लेने में बहुत तकलीफ, मुझे भी यहाँ हो रही है। ओ चलो एक फ़ोटो क्लिक कराते हैं, इंस्टाग्राम पर दिखाएंगे यहाँ के आपको नज़ारे फोटोज़ के माध्यम से। आना आ जाओ। तांग लांगला पास से थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं। यहाँ पर बर्फ़ देखो ज़बरदस्त है, रोड भी टूटा हुआ है, सांस फूलने लगी। देखो एक एडवाइस दूँ आपको, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग से कोई भी इशू है, इधर मत आना। सीनियर सिटीजन है बिल्कुल मत आना। यहाँ पे 12-13 साल से छोटे बच्चों को लेकर मत आना, और वो लेडीज़ कोई ना है जिनको ब्रीथिंग इशू होता है, या जहाँ बाय रोड जिनको बाय रोड ना है, बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, मनाली से लद्दाख का सफ़र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी ना आए कभी भी, क्योंकि पांच देखिए पास समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पांच पासेस पड़ते हैं। बिल्कुल पासेस यानी कि दर्रा यानी कि आप माउंटेन जो पहाड़ होते हैं उसके बिल्कुल टॉप पे जाते हैं। रोड जो है बिल्कुल माउंटेन के टॉप तक जाती है, वहां से होकर गुजरती है। पांच ऐसी जगह से जाएंगे तो आप समझ सकते हैं बॉडी की क्या हाल होगी, दिमाग की क्या स्थिति होगी। तो जैसे शोभी जी ने बताया कि आप 50+ हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं, या बच्चे हैं, तो बाय रोड अवॉइड करें। अगर आप रफ एंड टफ टूर करने के शौकीन हैं तो ही आप बाय रोड टूर करें। मेरे हिसाब से ना, अगर आपको लद्दाख घूमना है, सिर्फ लद्दाख घूमना है, दिल्ली से आइए, फ्लाइट पकड़िए सीधा लेह एयरपोर्ट पर, वहाँ से या तो आपका टूर पैकेज बुक कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आप रोड ट्रिप को अवॉइड करें और लद्दाख के खूबसूरत नज़ारे देखें, फ्लाइट से आ जाए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जो हेडेक है ना, जो मैं फील कर रहा हूँ खुद, हम यंग एज में तीनों लोग, और तीनों लोगों की जो स्थिति हुई ना अभी, ओंटी भाई सरदर्द गया नहीं गया है ना? सरदर्द गया था, फिर दोबारा हो गया। बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, वही मोहित भाई को भी हुआ, वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं सरदर्द से, मैं भी। बात करते वक्त सांस फूल रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ आए तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। बाकी पसंद आपकी, आपको रोड ट्रिप करनी है कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई इस तरह के इशू है ना ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो मत आना इधर इस रोड से। देख रहे हो बर्फ, कम से कम 8-8 फीट बर्फ जमी हुई है। तांग लांग ला से अभी निकले हैं हम, बर्फ के नज़ारे हैं ये। एक ही साइड में है रोड के, इधर तो खाई है तो इस तरफ बर्फ है, बढ़िया। अब ये रोड कहाँ तक खराब मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल 5 बजे हम तांग लांगला से निकल चुके हैं, लेह कितने बजे पहुंचेंगे वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। 110 किलोमीटर है, बर्फ़ के नज़ारों के बीच से इस टूटे फूटे रोड पर निकल पड़े हैं।
लेह के लिए अच्छी खासी बर्फ है तांगलांगला के बाद, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 फीट आई है। और इस बर्फ़ की वजह से रोड पे पानी है और उस पानी की वजह से ये रोड टूट गया है, क्योंकि ट्रक भी चलते हैं, बस भी चलती हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं। दोस्तों अगर आप शिमला मनाली या शिमला मनाली एक साथ घूमना चाहते हैं तो अब आप हमारे थ्रू मतलब MS व्लॉगर से भी टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। हमसे टूर लेने के आपको बहुत फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा यही है कि बहुत कम खर्चे में आपका पूरा टूर हो जाएगा, वो भी लग्जरी टूर। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फोन नंबर, वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो जल्दी बुक कीजिए और घूमने निकल जाइए। तांगलांगला के अच्छे नज़ारे देखने के बाद रुके हैं एक जगह और देखो कितनी सारी बर्फ़ है, और वहाँ तो 15 फीट बर्फ़ थी। रोड नज़ारा देखो यार आप, ज़बरदस्त व्यू है, नीचे एक ट्रक पड़ा हुआ है। तो यार ड्राइव सेफली कीजिए, अगर कर सकते हो तो ही अपनी गाड़ी लाइए, अदरवाइज़ टैक्सी वाले को लेते हो तो उसको भी बार बार बोलते रहिए कि सेफ़ ड्राइव करें। इसी जगह ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, क्लिप बनाते हैं, आपके लिए लाते रहेंगे। चलते हैं अपनी सेंट्रो से लेह। कितनी बर्फ़ है, रोड भी ख़राब है। तांगलांगला के बाद ये नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। जून के एंड में हम ये टूर कर रहे हैं, तो आप देख लो कि जून के एंड में भी यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ का रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बर्फ़ आप देख ही रहे हैं, एक साइड में कम से कम 10-12 फीट तक बर्फ़ जमी हुई है। खाई में देख पा रहा हूँ कि एक और ट्रक, अभी तक तीसरा ये ट्रक देखा मैंने खाई में गिरा हुआ। अब सोचो कि यहाँ पर ड्राइविंग करना कितना टफ हो सकता है और कितना डेंजरस हो सकता है। वो पड़ा हुआ ऐसे ऐसे, पीछे भी 2 ट्रक देखे हमने अलग अलग जगहों पर और यहाँ भी। देखो एक बार फिर से धूप निकल आई है, उपसी यहाँ से 52 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ भी 52 ही दिखेगा, वहाँ पे 55 था। अभी पहले आएगा रम्स से, तो आंगलांगला से करीब 28 किलोमीटर था और अभी 4-5 किलोमीटर हम आगे आ भी गए वहाँ से। धूप एकदम बढ़िया वाली निकल चुकी है, मस्त धूप निकली है और रोड भी अब शानदार देखने के लिए मिल रहा है। रोड के एक साइड में देखो किस तरह की सपोर्ट बनाई गई है, ऐसी सपोर्ट लद्दाख में देखने के लिए मिली। नीचे की तरफ उतराई आ गई है, मस्त रोड, मस्त स्पीड, 100 किलोमीटर लेह है यहाँ से। एक बात बताओ, अगर आपको ट्रैफिक रूल रोड पर चलने के रूल्स पता हैं तो ये जो वाइट पट्टी आप देख रहे हो रोड के किनारे पर, इसका मतलब बताओ क्या होता है, कमेंट करके बताओ। जिसका सही जवाब होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। और जो लोग जानते हैं ना इनके नियम की वाइट लाइन का क्या मतलब है, दो वाइट लाइन का क्या मतलब है, दो येलो लाइन का क्या मतलब है, दो येलो लाइन का, दो वाइट लाइन का, और इस तरह से जो गैप में वाइट लाइन होती है इनका क्या मतलब है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। रोड ट्रिप कर रहे हैं तो रोड के सारे नियम हमें पता होने चाहिए। उपसी 48 किलोमीटर है, रम से आने वाला है। वेदर अभी बढ़िया है, हल्की सी धूप निकली हुई है, ठंड ठीक ठाक है, बढ़िया ठंडे की जैकेट पहननी पड़ेगी। अच्छा, जब से मनाली में बाढ़ आई है उससे मनाली के टूरिज्म पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ही है, साथ ही साथ लेह लद्दाख टूर भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। रोड पर ट्रैफिक भी ना के बराबर है अब। और दूसरी बात, जो लोग कश्मीर साइड से लद्दाख घूमने जाते हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ उस रूट पर अमरनाथ यात्रा अभी चल रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, तो शायद अगस्त तक सब चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मनाली टूरिज़्म भी बहाल हो जाएगा, मनाली में भी काफ़ी टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे, और जब मनाली टूरिस्ट आएंगे तो ऑब्वियसली लेह लद्दाख भी टूर शुरू हो जाएगा और लोग पहले की तरह ही लेह लद्दाख घूमने जा पाएंगे। एक व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, देखो तांगलांगला पास के बाद हम कितना नीचे जा रहे हैं, ये देखो नीचे रोड है, वहाँ जाएंगे हम, अब नीचे उतरते जा रहे हैं, ये इसी रोड पर जाना है नीचे, जिग जैग फॉर्म में वो रोड है। रम से हम पहुंचने वाले हैं, करीब 6-7 किलोमीटर रह गया है। उससे पहले एक पंजाबी ढाबा है यहाँ पे, ट्रक वाले यहाँ रुके हुए भी हैं, नीचे की तरफ एक ढाबा बना हुआ है, काफ़ी सारे ट्रक रुके हुए हैं, और इस जगह का नाम है कायम लुंगपा।
बाकी गाड़ी आपकी बाइक है या कार है या जो भी आप ला रहे हैं वो फिट फॉर होना चाहिए, क्योंकि पूरे ही रास्ते में हमें बाइक रिपेयरिंग और कार रिपेयरिंग की कोई भी शॉप देखने के लिए नहीं मिली, कोई पंक्चर वाला नहीं, कुछ भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो अपनी गाड़ी अगर लाते हैं, बाइक कार जो भी, सोच समझ के आइएगा, फिट करके लेकर आइएगा। क्यों आते हैं लद्दाख पता है आपको? माउंटेन के अलग अलग कलर देखने के लिए मिलते हैं। सामने का व्यू देखो आप, एक तरफ तो भूरे भूरे पहाड़, एक तरफ वाइट पहाड़, और उसके ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूँ ग्रीन पहाड़, ठीक उसके पीछे मैं देख पा रहा हूँ मरून कलर का पहाड़। देख लो वैरायटी ऑफ माउंटेन यहाँ देखने के लिए मिलता है, अलग अलग कलर के आप पहाड़ देखोगे। देखो मैरून कलर के पहाड़, ग्रीन कलर के पहाड़, ब्राउन कलर के पहाड़, वाइट कलर के पहाड़, चार तरह के पहाड़ एक ही माउंटेन पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए लद्दाख आया जाता है, अलग अलग तरह के आपको व्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। ग्रीनरी तो आप किसी भी हिल स्टेशन पर जाकर देख सकते हैं, यही क्रेज है लोगों में, जो लोगों का ड्रीम टूर बना हुआ है लद्दाख। नॉर्दर्न होम स्टे विद रेस्टोरेंट यहाँ मौजूद है, ठीक है, रुकने का यहाँ पर कुछ होम स्टे बने हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ रूम से आ गया है, एक फूड का ढाबा भी है। एक काम करते हैं, यहाँ गाड़ी साइड में लगाते हैं, कुछ यूनिक से होम स्टे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मालूम करते हैं इनके बारे में और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ की। कितना है इनका किराया? 1500 रुपये एक रूम का। कितने बेड हैं इसमें, बेड वगैरह है? वो आगे वाला में चार, इसमें दो। अच्छा चार दो और उसमें दो, उसमें दो, मैं अगर खर्चू लगा तो बीच में लगा सकते हैं। तो सबका एक ही रेट है? रूम से में भी रुकने की व्यवस्था है 1500-2000 रुपये में, यहाँ इस तरह के रूम मिल जाते हैं, बढ़िया है। फूड ऑप्शन भी है यहाँ पे, रूम से में रुके हुए हैं, अमूल कूल ले लिया है, इसे पीते हैं उसके बाद जाएंगे। तबीयत डाउन है? बहुत ज़्यादा डाउन। क्या दिक्कत हो रही है? सर घूम रहा बहुत तेज़ी से और चक्कर से आ रहे हैं। वही हाई अल्टीट्यूड वाली माउंटेन सिकनेस, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे अपने आप, लेह पहुँचेंगे, थोड़ा कुछ आराम करेंगे। रूम से पहुँच गए भाई, होटल वगैरह है यहाँ पर, अगर रुकना है तो रुक सकते हैं। फूड के लिए दो चार ढाबे भी देखने के लिए मिले, बढ़िया जगह है, रिमोट जगह है, रुक सकते हैं। बिजली की भी व्यवस्था है यहाँ पे, मोबाइल का नेटवर्क आ जाएगा आपका पोस्ट पेड होगा तो। और देखो ये जो मोनेस्ट्री की पुरानी इमारतें हैं, गजब लग रही हैं, देख के ही पता लग रहा है कि बहुत पुराना है। थोड़ा और नज़दीक से हम दिखा रहे हैं आपको रेड कलर के पहाड़, देखें कभी रेड कलर के पहाड़, एक तरफ ब्राउन फिर रेड फिर ग्रीन, अलग ही स्वैग है लद्दाख के पहाड़ों का। उपसी 23 किलोमीटर है यहाँ से। लाटो आ गया है जी, लाटो भी एक गांव है, 13,170 फीट की हाइट पर होम स्टे, कैंपिंग साइट और फूड रेस्टोरेंट यहाँ भी हैं लातो में। यहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी भी हमें देखने के लिए मिल रही है। लातो ब्रिज अभी हमने पार किया है, पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, रोड यहाँ बहुत बढ़िया है। उपसी 22 किलोमीटर रह गया अभी यहाँ से, ये देखो अलग ही व्यू है यार यहाँ पे, थोड़ी सी ग्रीनरी, पहाड़ी पत्थर, बीच में खूबसूरत रोड, बिल्कुल पहाड़ों का कलर देख लो आप, एक भी घास का तिनका नहीं है पहाड़ पर, नीचे थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी है और यहाँ ये खूबसूरत रोड, अलग ही स्वैग लद्दाख का। मीरू आ चुका है, लेह यहाँ से 64 किलोमीटर है, मीरू भी एक छोटा सा गांव है, थोड़ी सी हरियाली यहाँ देखने के लिए मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है लद्दाख में ये हरियाली देखकर। तो फ्रेंड्स उपसी पहुँच चुके हैं, सामने एक चेक पोस्ट है, देखते हैं वहाँ क्या क्या चेक होने वाला है। चलो तुम चलो। तो उपसी में ये चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में यहाँ भी वही गाड़ी नंबर लिखा जाएगा, कितने मेंबर हैं वो लिखा जाएगा, उसके बाद आगे जाएंगे। उपसी चेक पोस्ट पे ये एक पर्ची मिली है म्युनिसिपल कमेटी लेह की, 100 रुपये एंट्री फीस है इसकी, ये पे किया है हमने यहाँ उपसी चेक पोस्ट पे, ये पर्ची मिली है तब हम आगे जा पाएंगे, ऐसा है कुछ यहाँ। तो फ्रेंड्स उपसी पहुँच चुके हैं, उपसी सेतु आ गया है, 100 रुपये एंट्री फीस थी यहाँ पर म्युनिसिपल लेह के द्वारा। वाह क्या नज़ारा है यार उपसी के पुल का,
उपसी काफ़ी डेवलप लग रहा है। लेह यहाँ से करीब 49 किलोमीटर है। देखो यहाँ पे कई सारे अलग अलग रास्ते हैं। तो अभी उपसी के मेन चौराहे पर है। यहाँ से कारगिल 273 है, लेह 49, कारू 14, और यहाँ से एक रास्ता चुमथांग के लिए भी जाता है। चुमथांग की दूरी करीब यहाँ से 88 किलोमीटर है। अब यहाँ से हम जाएंगे कारू के लिए। उपसी से निकल रहे हैं 50 किलोमीटर। लेह है यहाँ से 209 किलोमीटर, पेंगोंग लेक। लेह रह गया यहाँ से करीब 43, और शाम के 7 बजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स कारू पहुँच चुके हैं। कारू जो जगह है ना, ये पूरी मिलिट्री का एरिया है, बहुत दूर तक, बहुत बड़े एरिया, और यहाँ पे ना वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगा। गाइस ये है कारू का वो इलाका जहाँ पर सिविलियन रहते हैं, बाकी वरना पीछे तो पूरा पूरा का पूरा इलाका छावनी परिषद ही था। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारू में, और कारू से लेह के बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। कारू एक खास जगह है क्योंकि कारू से ही पेंगोंग लेक जाने के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। अगर आप लेह से पेंगोंग लेक जाएंगे तो आपको वापस कारू की तरफ तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद आप पेंगोंग लेक के लिए डाइवर्ट होंगे। कुछ लोग कारू में भी स्टे करते हैं जिन्हें नेक्स्ट डे पेंगोंग लेक जाना होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लेह से 30 किलोमीटर पहले यानी कारू में एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है। तो फ्रेंड्स लेह से पहले ही पेट्रोल फिल करा रहे हैं, हाफ से कम है गाड़ी में, पेट्रोल फुल करा लेते हैं। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आ गया लेह से करीब 104.42 रुपये रेट है यहाँ पे पेट्रोल का। अब भी करते हो हमारी दिल्ली की रेट तो बहुत चलता है। अरे वहाँ तो वहाँ चलता है ना, यहाँ नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता। अच्छी बात है ये 2000 का पेट्रोल आया अभी, इसमें 19.16 लीटर, 104.42 रुपये रेट है। लेह 30 किलोमीटर बाकी रह गया यहाँ से। तो फ्रेंड्स कारू से तो निकल चुके हैं, पेट्रोल डलाने में बहुत ज़्यादा समय लगा क्योंकि पहले वहाँ पे पेट्रोल टैंक खाली हुआ, उसके बाद हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, करीब आधा घंटे से ज़्यादा हमें वहाँ लग गया। उसके बाद अब हम लेह के लिए निकल चुके हैं। गाइस खारदुंगला 61 किलोमीटर है और लेह 20 किलोमीटर यहाँ से। लेह 3 किलोमीटर, कारगिल 219, श्रीनगर 421 किलोमीटर है यहाँ से। 3 किलोमीटर के बाद लेह में एंट्री हो जाएगी पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स लेह में आ चुके हैं। तो अभी हम लेह के शिवाजी चौक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। कहाँ कहाँ ये रास्ते जाते हैं मैं देख के बताता हूँ आपको। लेह एयरपोर्ट इधर है, कारगिल इधर है, श्रीनगर इधर है, ठीक है जी। उधर लेह एयरपोर्ट कारगिल वारगिल था, एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप वहाँ सामने है। ये जो बस आप देख रहे हो ये लेह की लोकल सिटी बस है। मान लीजिए कारू से आपको ले आना है या लेह से कारू जाना है, लेह से उपसी जाना है, तो उस बीच ये बसेस चलती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लोकल साइट्स विजिट करनी है लेह की तो इन बसेस के थ्रू किया जा सकता है। अभी हम लेह के न्यू बस स्टैंड के आसपास हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये लेह का न्यू बस स्टैंड है। गाड़ियाँ साइड में लगाता हूँ और फिर होटल्स सर्च करने निकलते हैं। फ्रेंड्स लेह में पहुँच चुके हैं, दोनों भाई लोग होटल देखने गए हैं, रूम देखने गए हैं। सामने एक गेस्ट हाउस नज़र आ गया, बस स्टैंड के पास में है, न्यू बस स्टैंड के पास में। यहाँ भी बात होती है, वहाँ रुकेंगे आज रात, देखते हैं क्या होता है।